ओके सो वॉट एवर क्वेश्चन विच विल कम इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसर्निंग विद ज्योग्राफी वी विल बी टोटली योर सिलेबस विल बी कंप्लीट होलिस्टिकली इट विल बी कंप्लीट वेदर इट इज रिलेटेड सिर्फ बैचेस डिफरेंस होंगे. अगर आपका एलडीसी का है तो उसमें 10 दिन में जो 10 दिन में ज्योग्राफी खत्म कर देंगे. आपका एपीपीसीएस का है उसमें 25 दिन में ज्योग्राफी खत्म होगा. यूपीएससी का बैच होगा तो उसमें 1 महीने में ज्योग्राफी खत्म होगा. वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी लेंगे, जो जो प्लेसेस इन न्यूज हैं उसको भी लेंगे, तो डिटेल्ड वे में जाएंगे. और आपका एलडीसी का होगा तो उसको शॉर्ट कर देंगे जो मेजर पोर्शंस हैं, और जो एलडीसी का फॉर्मेट है क्वेश्चन पूछने का उस हिसाब से करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल ईच वन ऑफ यू इज टू गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. नो मेजोरिटी ऑफ यू मे हैव ए क्वेश्चन कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के क्या पता चलता है. देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर व्हेन एवर यू गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट एरिया फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. ठीक है. अब एलडीसी का क्वेश्चन होगा तो वो पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है. ठीक है. यूपीएससी का क्वेश्चन होगा तो वो आइलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पूछ लेगा. ठीक है. अगर फिर एलडीसी का क्वेश्चन होगा तो पूछेगा लोएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इंडिया में है. तो स्टेट वाइज इज हरियाणा, यूनियन टेरिटरी इट इज दमन एंड दीव. ठीक है. लेकिन अगर यूपीएससी का क्वेश्चन होगा तो वो पूछेगा व्हाट आर द रीजंस. ठीक है. वो पॉसिबल रीजंस बताएगा, माइग्रेशन, फीमेल फिटिसाइड, पैट्रियार्की. ठीक है. वो ऐसे क्वेश्चंस देगा ऑप्शंस में. तो आपके कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं एलडीसी यूडीसी में, स्टेट पीसीएस में यूपीएससी पैटर्न है उसके हिसाब से आएगा. स्टिल आई विल टेल यू दैट क्वालिफाइंग इन स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन इज ए केक वॉक. यू जस्ट नीड टू गिव एटलीस्ट 100 days ऑफ योर टाइम विथ प्योर कंसेंट्रेशन एंड यू हैव टू अर्ली स्टार्ट. ऐसा नहीं है कि जब आपका नोटिफिकेशन आया उसके पहले आप बैच लगा रहे हो, नहीं, आप प्रिपरेशन एडवांस में करो, बी प्रिपेयर्ड. अब जिस दिन बारिश होती है उस दिन तो खेती नहीं होती है. इफ देर इज अ फार्मर विल ही स्टार्ट प्लॉगिंग ओनली आफ्टर देर इज अ रेनफॉल, और ही हैज टू बी प्रिपेयर्ड अहेड इन एडवांस. सो दिस इज वॉट आई एम टेलिंग यू कि यू कैन ओनली द ओनली एडवांटेज विथ आस इज दैट विल प्रिपेयर यू हाउ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. वी विल गाइड यू एंड दिस विल बी ए वेरी रोबस्ट फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज रोबस्ट फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन. दैट इज द रीजन आई सेड टूडे इज द इनिशिएशन क्लास. सी आई हैव द एंटायर एंटायर थिंग इन ए पीपीटी फॉर्मैट. यू डोंट हैव टू वरी द सिलेब द इन जस्ट अ मोमेंट माउस. सी आई एम जस्ट टेलिंग यू द एंटायर स्टफ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू इज इन ए पीपीटी फॉर्मैट. द यू विल प्रोवाइडेड टू टाइप्स ऑफ नोट्स. वन नोट विल बी योर एंटायर जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी विच विल बी यूज फॉर योर एपीपीसीएस एग्जामिनेशन एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन. सेकेंड नोट्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर योर एलडीसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. Someone has raised a question again, just a moment. Okay. So please set the video on again. Okay, fine. What I am saying is that see, you will be provided entire information in a PPT format in whatever subject you are studying with us. हमारा पूरा का पूरा प्रिपरेशन एकदम रोबस्ट फॉर्म में होगा. आपको हम आपसे मिनिमम चार्ज करेंगे एंड आवर पर्पस इज टू मेक यू सक्सीड दिस एग्जामिनेशन. दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट. देयर इज नो इशू वेदर यू देयर शुड बी नो डाउट, नॉट एन आयोटा ऑफ डाउट वेदर वी विल बी एबल टू मेक योर प्रिपरेशन रोबस्ट और नॉट. आई एम जस्ट मेकिंग यू सी. See, I have everything in PPT format which you will be able to visualize if I am going to explain to you. If I am going to explain to you about Greater Himalayas, I have the figure over here. Here I can explain the difference. This is a young fold mountain, crystalline,
the most continuous in the world, right? Then what are the major mountains? Second, I can show the difference: Greater Himalaya, Middle Himalaya, Shivaliks. So you don't have to worry about. Is anyone having any doubt whether we will be able to make you understand things or visualize online or not? He should do away with the doubt. If you have any doubt right now, you can ask. Sir Mani, कोई जरूरत नहीं है. आप हमें पैसा दे रहे हो, हम आपको बेस्ट एजुकेशन देंगे. ये हो गया, ये हम आपको बस बता रहे हैं पीपीटी. दूसरा है, हमारे पास नोट्स है. ये नोट्स मैंने शेयर, अभी मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, शेयर करता हूँ. यू आर शेयरिंग स्क्रीन, ओके. दूसरा, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे बोथ फॉर योर एलडीसी एग्जामिनेशन एंड फॉर योर यूपीएससी एपीपीसीएस एग्जामिनेशन. सो देयर शुड बी नो डाउट एट ऑल. अब किसी को पूछना है तो मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, कोई पूछ सकता है. सौरभ सर, आप भी पूछ लीजिए, किसी को डाउट है तो. You can just write in the chat. I will unmute you and you can ask if there is a question regarding this. Hello. If any one of you have a question regarding this, you can ask right now. शर्माने की कोई जरूरत नहीं है. हम आपसे पैसा ले रहे हैं तो ये हमारी responsibility है आपको best provide करना. चैट में किसी ने पूछा, हाँ, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, वेदर इट इज मोड ऑफ टीचिंग, इट इज ए हाइब्रिड मोड ऑफ टीचिंग. जब तक ऑफलाइन ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन हो रहा है, अदरवाइज वी विल बी प्रोवाइडिंग एन ऑफलाइन मोड एज वेल. ओके, क्वेश्चन पेपर सी वी विल, इसे कैसे है, हारंग. ओके, हारंग आपको क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स के हम प्रोवाइड कर देंगे, वो अवेलेबल होते हैं. सेकंड, आपका जिस, मान लीजिए जिस भी चीज का बैच फॉर्मेशन होगा, आपको क्वेश्चन उस हिसाब से टेस्ट सीरीज होगा. एटलीस्ट वो सौरभ सर आपको बता देंगे कितने टेस्ट होंगे. जो भी रिक्वायरमेंट होगी, वी विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट. वी विल डू टाइमली टेस्ट टू, बिकॉज देर इज नो पर्पस कि हम आपको पढ़ाएं और टेस्ट ना लें. तो वी आर नॉट प्रिपेयरिंग यू फॉर दिस एग्जामिनेशन. द ओनली वे इन विच वी कैन मेक यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन इज दैट बाय डूइंग रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस. और किसी को कुछ डाउट है विथ एग्जामिनेशन प्रोसेस, अनम्यूट मी सर. हेलो, हाँ सर, बोलिए. जी सर, एक्चुअली इसमें सर, इनमें इन लोग को अनम्यूट के लिए अलाउ कर दीजिए. ठीक है, कर देते हैं जी. आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, या फिर कैसे आप लोग का क्लास कब से स्टार्ट करना है वो बता दीजिए, क्योंकि हम सेपरेट बैचेस हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक, इनिशियल क्लास सबकी एक साथ में होगी इंट्रोडक्शन की, और उसके बाद में आपके बैच सेपरेट हो जाएंगे. देखिए, इनिशिएशन जो होगा ना, शुरू का 5-6 क्लासेस साथ में होगी. ठीक है, हाँ, बेसिक्स साथ में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में आपके बैच सेपरेट हो जाएंगे. आपका कोई डाउट हो तो पूछिए. चैट में अपना नाम लिख दीजिए, उस हिसाब से होगा. सब एक साथ तो नहीं पूछ सकते ना. देखिए, मैं पूछता हूँ सबसे. अमित प्रजापति, डू यू हैव अ डाउट? नहीं सर, उनको वो शायद वो मेरे स्टूडेंट है वहाँ के. आप नेक्स्ट नेक्स्ट. अच्छा, ओनिल ओनिल, हाँ ओनिल, टेल मी व्हाट अबाउट एई लेवल जीएस. एई के सिलेबस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर्स है. तो प्रीवियस ओनिल, आर यू लिसनिंग टू मी? ओके, आपके एई लेवल के जीएस में सिर्फ आपका जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स है,
हम आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी एकदम जिस्ट फॉर्म में पढ़ा देंगे, पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर करवा देंगे, पैटर्न बता देंगे और करंट अफेयर्स का भी करवा देंगे। देयर शुड बी नो डाउट कि हम सिर्फ एक ही पीसीएस का पढ़ा रहे हैं, एई का जीएस नहीं पढ़ा रहे हैं। वी हैव ए टीम ओवर हियर इन दिल्ली, यू विल बी टॉट बाय द बेस्ट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कल नहीं परसों एक और सर आपका वीडियो कॉल ऑनलाइन वेबिनार होगा, वो सर से भी आप बात कीजिए और तब डिसाइड कीजिए वेदर यू आर कॉन्फिडेंट और नॉट। सेकेंड ए या ए, यू कैन आस्क क्वेश्चन नाउ। ए आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। ओनिल, इज योर डाउट ओवर और यू स्टिल हैव ए डाउट? ओके, ओनिल इज सेइंग थैंक यू। ए दिस गाय, आई एम, देखिए आपका पूरा नाम तो है। सम ऑफ अस आर वेरी न्यू टू स्टेट एग्जामिनेशन प्रोसेस, कैन यू प्लीज शेयर द सिलेबस थरली? सी, कैन यू सी द सिलेबस नाउ? ये आपका पूरा इंडियन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा और फिजिकल ज्योग्राफी होगा, ठीक है? ये सिलेबस मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये आपका जीएस पेपर 1 का सिलेबस है, ठीक है, जो मेंस में होगा, और ये आपका प्रीलिम्स का है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक सेकंड मैं वैनिशिंग कर ले रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, आपका पूरा फिजिकल होगा। ये बुक मैंने आपको बताई है अभी तुरंत, ये जो आपका बुक है, ये जो बुक है ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी है। तो ये बुक में जितना है आपका सारा क्वेश्चन, सारा पूरा सिलेबस हम कवर करेगा, प्लस हम इससे सारा क्वेश्चंस करवा देंगे आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा देंगे। ये फिजिकल है, ये इंडियन ज्योग्राफी, इसका जस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे, और ये हमेशा आपका टॉपिक वाइज जस्ट प्रोवाइड होगा। वंस द क्लास इज ओवर, एट द एंड ऑफ द क्लास वी विल बी प्रोवाइडिंग यू पीडीएफ। थर्ड, इट्स ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका भी जस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन ज्योग्राफी में अभी आपसे पूछा जाएगा जैसे जो जीके का क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट प्लेस टू हैव पेट्रोलियम माइनिंग बीन डन इन इंडिया, तो दैट वॉज इन डिगबोई आसाम, राइट? इंडिया का मैक्सिमम पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है? तो आपका बॉम्बे हाई और डिगबोई आसाम, कहाँ कहाँ से निकलता है उसमें बता देंगे, क्यों निकलता है वो भी बता देंगे आपको। थर्ड है आपका इंडियन पीपुल एंड इकोनॉमी, अब आपके नॉर्थ ईस्ट का इकोनॉमी किस चीज पे डिपेंडेंट है? हाल फिलहाल में कीवी, नॉर्थ ईस्ट में कीवी होता है, ऑर्गेनिक कीवी। कैन यू अनम्यूट मी टेड? डेफिनेटली नॉट एन इश्यू टेड। ओके, ए हैज अंडरस्टूड नाउ। ओके, जस्ट ए मोमेंट, आई हैव टू अनम्यूट। So grid video, so thumbnail, so unmute का ऑप्शन कहाँ चला गया? एक सेकेंड, पार्टिसिपेशन, यस, विच गाय आस्क फॉर अनम्यूटिंग, जस्ट अ मोमेंट। टेड, ओके, टेड, टेड, आई हैव अनम्यूटेड यू। यस सर, सर आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपका सर ये दिस क्लास इज फॉर व्हिच एग्जाम एग्जैक्टली? एपीसीएस के लिए है ना सर, फॉर एई जीएस और दिस थिंग एलडीसी यूजीसी? हमारा तीन बैच सर, सबका डिफरेंट ना सर? हां हां, बता रहा हूं, हमारा तीन बैच होगा, ठीक है, थ्री डिफरेंट बैच होगा। देखिए, एपी पीसीएस और यूपीएससी एक बैच होगा, सिलेबस सेम है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन सेम है, पैटर्न सेम है। तो व्हेन वी विल बी टीचिंग देम, वी विल बी टीचिंग देम फॉर द यूपीएससी अलोंग विद सर्टेन थिंग्स स्पेसिफिक टू अरुणाचल प्रदेश, सच एज अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल पॉलिसी, अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी, नीति आयोग टेस्ट, नीति आयोग डॉक्यूमेंट फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इन अरुणाचल प्रदेश। ये आपका एपीपीसीएस में चला गया, यूपीएससी में चला गया, ठीक है। जब हम आपको एलडीसी के बारे में पढ़ाएंगे
तो उसके उसके सिलेबस में आपको आएगा भारत में कितनी नदियां हैं, बराक रिवर कहाँ कहाँ से गुजरता है, आपका ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ है, सॉरी ओरिजन, और सॉरी आई एम स्पीकिंग टू इन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपका एलडीसी, दोनों का डिमांड अलग अलग है। एलडीसी का पूरा सिलेबस मुझे लगता है 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगर 2 घंटे का क्लास हुआ ओके तो। यूपीएससी का आपका क्लास सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी विल टेक 80 आवर्स, 80 to 60 आवर्स, वो आपका हो जाएगा 30 आवर्स में। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन 30 and 80 आवर्स ऑफ क्लास। सर, एलडीसी यूडीसी के लिए यू विल बी टेकिंग द जीएस होल, पूरा जीएस के लिए सर? हाँ, ज्योग्राफी आपका पूरा जीएस होगा, पूरा होगा उसमें सिलेबस। देखिए एई का जीएस का सिलेबस 3 ही है, मैंने देखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। तो वो हम पूरा करेंगे, हमारी टीम है, अकेले मैं नहीं पढ़ाऊंगा। देर विल बी थ्री टू ओके ओके फोर पीपल हु विल बी टीचिंग। आई एम उत्सव सिंह, आई हैव इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम IIT एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर, आई वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वर्क विद इन्फोसिस एंड ओरेकल एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट ओके 6 ईयर्स। ओके, यूपीएससी आई हैव बीन ओके टीचिंग फॉर लास्ट 4 ईयर्स एंड आई हैव प्रोवाइडेड दैट पिक ऑल्सो वेन आई टुक क्लासेस लास्ट मंथ। ओके, जस्ट टू गिव यू द फील ऑफ ऑफलाइन क्लासेस, दिस इज एन ऑनलाइन क्लासेस बट इट इज इन ए हाइब्रिड मोड। जब आपके ईटानगर में खुल जाएंगी चीजें, हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो उसका एक अलग डिमांड होगा। तो सौरभ सर वो बता देंगे कि उसका उसके लेक्चर्स कैसे होंगे, वो कैसा होगा, तो हम ऑफलाइन भी लेंगे, अभी ऑनलाइन ले रहे हैं। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है? ओके सर, एनटी, एनटी का क्वेश्चन है कि एई लेवल का जीएस कोर्स लेंथ कितना होगा। जीएस ऑफ एई इज, मैंने सिलेबस देखा है, आपने देखा है क्या एई? एक सेकंड, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। एनटी, देर आर टू एनटी, आई डोंट नो, दोनों को मैंने अनम्यूट कर दिया। द राइट वन काइंडली गो अहेड एंड स्पीक। जी सर, हाँ एंटी, आपका नाम क्या हुआ पूरा? एनटीई है अच्छा ठीक है एंटी, आपका क्वेश्चन क्या है? वही लेंथ कितना, जीएस कितना टाइम लगेगा कवर करने? सर आपका, आपने सिलेबस देखा है? हमने देखा है सिलेबस आपका है हिस्ट्री और ज्योग्राफी और प्लस करंट अफेयर्स। तो मुझे लगता है कि सौरभ सर आपको बता देंगे, इट वोंट टेक मोर देन 20 to 25 days एज ऑफ नाउ आई एम टेलिंग फॉर योर हिस्ट्री ज्योग्राफी प्लस योर करंट अफेयर्स, 30 days में खत्म हो जाएगा। नंबर ऑफ आवर्स हम डिस्कस करके बता देंगे, हमारे ओके पास ओके है उसका, हमारे पास उसका भी नोट्स है। मैंने आपको अपना बताया ही कि मेरे पास पीपीटी भी है, और पीपीटी तो आप देख रहे हैं, उसका नोट्स भी है, और उसका भी अलग पीपीटी हम बना करके आपको एक्सप्लेन करके, क्योंकि उसमें जीके पूछा जाएगा, उसमें पूछा जाएगा काइबुल लामजो कहाँ पे है, लोकतक लेक कहाँ पे है, काइबुल लामजो का स्टेट एनिमल, काइबुल लामजो कौन से एनिमल के लिए फेमस है, संगाई डियर मणिपुर, राइट, कौन सा ट्राइब है काइबुल लामजो में, मैथी ट्राइब है। पर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका क्वेश्चन अलग होगा, उसमें बोलेगा काइबुल लामजो इज पार्ट ऑफ मॉन्ट्रेक्स अकॉर्ड, ट्रू और फॉल्स, तो हमको बताना होगा व्हाट इज मॉन्ट्रेक्स अकॉर्ड। उसके बाद पूछेगा कि काइबुल लामजो में जो डैम बन रहा है, इताई डैम नाम है शायद, वो डैम के वजह से क्या चैलेंजेस आ रहा है, फिर पूछेगा कैसे आ रहा है वो चैलेंज, वो एक्सप्लेन करेंगे आपसे। वो इतना नहीं पूछेगा आपके एई वाले में, एई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख के हम आपको पैटर्न बता देंगे, उसका भी एक इनिशिएशन होगा। राइट नाउ व्हाट वी आर टेलिंग इज यू इज दैट हाउ वी आर गोना टीच, वी हैव ए टीम, आई एम नॉट गोइंग टू टीच अलोन। अगर हमारा यूपीएससी का क्लास चल रहा होगा, तो अगर जो लोग उस समय एई का क्लास लेंगे तो उसका क्लास टाइमिंग डिफरेंट रहेगा, उसका बैच अलग बनेगा। शुरू के सिर्फ 5 6 दिन सारे बैचेस को मैं एक बार बताऊंगा, ताकि एक इनिशियलाइजेशन हो सके, ताकि आपको पता चल सके हमारी टीम कैसी है, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, प्लस द टाइप ऑफ नोट्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड और नॉट। ओके, इट मैचेस योर डिमांड और नॉट। सर यू आर गोइंग टू पे मी, इफ आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू क्वालिटी, इज देर ए पर्पस वाई यू शुड कम एंड टेक क्लासेस फ्रॉम अस? इफ आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ए सेटिस्फैक्ट्री क्लासेस, देर इज नो पॉइंट आई शुड टीच, माई ब्रेड एंड बटर कम्स फ्रॉम टीचिंग टू द स्टूडेंट।
So I should justify that. ठीक है, आई शुड जस्टिफाई दैट, सॉरी देर वॉज ए कॉल डिस्टर्बेंस, आई शुड बी एबल टू जस्टिफाई. बाकी बैचेस फॉर्मेशन क्या होंगे, फीस क्या होगी, टाइम आवर आवर कितना होगा, वो आपको बता दिया जाएगा कि आप डिपेंडिंग अपॉन कि अगर अभी मान लो हमें 40 से 50 स्टूडेंट मिल जाते हैं आपके एलडीसी के, या 20 स्टूडेंट मिल जाते हैं, हम तुरंत बैच स्टार्ट कर देंगे. 20 स्टूडेंट होगा तो हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है. ओके ओनिल सर, व्हाट अबाउट क्वालिटी इन एई लेवल. क्वालिटी आपके सिलेबस में नहीं है, एई के जीएस में क्वालिटी आपका एई में क्वेश्चन आएगा तो करंट अफेयर्स से आएगा. करंट अफेयर्स से क्वेश्चन क्या आएगा, हु इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अंडमान एंड निकोबार, आंसर इज प्रफुल्ल कोड़ा पटेल, ये क्वेश्चन आएगा. आपको क्वालिटी नहीं है. इफ यू हैव सीन द सिलेबस लेट मी नो. मैंने तो सिलेबस जाके खोल के देखा है एई का, इट इज हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में जो पिछले 6 महीने 5 महीने के न्यूज में चीजें हैं वो हम आपको देंगे. दोजे टू एवरीवन, इज ऑल सब्जेक्ट इन वन पैकेज. सौरभ सर कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन. हेलो दोजे, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड सर. सर दोजे पूछी है वापस से, इज ऑल मैंने पूछ बता दिया. अच्छा ठीक है. एनीवन एल्स इफ यू हैव अ डाउट डू लेट अस नो. जो भी डाउट है आज पूछ लो, मतलब कल से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा. कुछ भी डाउट है आप पूछो. यू आर गोइंग टू पे विदाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन. यू शुड नॉट परचेज एनीथिंग, whether it is classes or any product, service or product. So aap pooch lo. I have been teaching in Northeast, Arunachal Pradesh, Nagaland, Assam, Delhi, Bihar. Okay, so student har tarah jahan ke student ka ek apna culture hota hai, and the culture is product of what, geography. Theek hai, so geography ko aap culture se relate karte ho. Aapka eating habit is a product of what, geography. Aapke yahan gehun nahi hoti hai, chawal hoti hai, to aap chawal khate ho. तो आप अपना सारा चीज पूछ लो, मैं कनेक्ट करके बता दूंगा कि आपका यूडीसी का, एलडीसी का, एई का और यूपीएससी का. हाँ, बैचेस विल बी डिफरेंट बिकॉज द डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन इज डिफरेंट. टीचर विल आल्सो डिफर अकॉर्डिंगली. एनीवन एल्स, दोजे आपका डाउट खत्म हो गया. ठीक है, और किसी का डाउट है तो पूछिए. इसके बाद आपको शायद मौका ना मिले पूछने का. आपको नोट्स के बारे में पूछना है पूछिए, आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछना है पूछिए, आपको मेरे मेथोडोलॉजी के बारे में पूछना है पूछिए. अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होता है तो दैट इज ए क्वेश्चन ऑन माई दैट्स ए क्वेश्चन ऑन माई क्रेडिबिलिटी एज ए टीचर, राइट. If you guys have any doubt, ask it right now. आप शर्माओ मत, ये आपका अधिकार है. जैसे किसी ने पूछा मुझसे पॉलिटी, वो आपके सिलेबस में नहीं है. काइंडली आप चेक कर लीजिए, अगर सिलेबस में है तो पॉलिटी भी पढ़ाएंगे. Everything which is a part of your syllabus will teach you. We have got our infrastructure ready. हमारे पास नोट्स हैं. ऐसा नहीं है कि आपको कल मैं नोट्स दूंगा, परसों नोट्स दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप तो देख ही रहो, पीपीटी प्रिपेयर्ड रखा है हमने, आप देख लो. ठीक है, खत्म कर दिया हमने. 75 स्लाइड्स से लेके 40 स्लाइड्स है हर पीपीटी में. आपको एग्रीकल्चर का देखना है, मैं एग्रीकल्चर का दिखा देता हूं. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. न्यू शेयर.
मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, सीड्स एंड मिशन, सीड बिल 2004, लैंड इशू, लैंड साइज, विल बी कवरिंग एवरीथिंग इन योर सिलेबस, वॉट एवर इज देयर इन योर सिलेबस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका है, इन ऑल सब्जेक्ट इन वन पैकेज, कैन वी हैव द पीडीएफ कॉपी बिफोर एवरी क्लास? नो, पीडीएफ विल बी ओनली प्रोवाइडेड इफ यू हैव अटेंडेड द क्लास, और अगर सौरभ सर का परमिशन होगा तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. दोजे का क्वेश्चन है, विल बी प्रोवाइडेड. ओके, इफ सौरभ सर इज इन अग्रीमेंट कि हाँ दोजे को दे दीजिए बिफोर क्लास, या स्टूडेंट को दे दीजिए, दे देंगे. पर सारा नहीं दे सकते ना, क्लास के जस्ट पहले दिया जाएगा. वंस यू हैव टेकन एडमिशन विल प्रोवाइड यू. सौरभ सर, दोजे, वंस वी हैव यू हैव टेकन एडमिशन वी विल प्रोवाइड यू नोट्स इन एडवांस. आई अग्री, फ्यू ऑफ यू नीड इट, बट डोंट स्किप द क्लासेस. प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वंस आई प्रोवाइड नोट्स टू द स्टूडेंट, दे स्टार्ट स्किपिंग द क्लासेस, बिलीविंग दैट एवरीथिंग इज देयर इन नोट्स. नो, योर इनिशिएशन इन द नोट्स, मेकिंग थिंग्स अंडरस्टैंड टू यू इज नॉट बींग डन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज सारा क्वेश्चन आप लोग पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं टेंशन लीजिए. मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये आपको, ये बुक्स जो हैं ये कंपलसरी हैं. आप अगर बुक्स डाउन, ये डाउनलोड फ्री में अवेलेबल है, आप कहोगे तो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा. इसके जिस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स के रूप में, ठीक है? आपको APPCS, UPSC सबके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? और आपको LDC का भी नोट्स मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है. दैट यू शुड बी इन एग्रीमेंट विथ, ठीक है? आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और जो जो इशू है वो रिजॉल्व किया जाएगा. और स्टिल एनी इशू? और सर, आज क्लास अभी स्टार्ट कर दें या कल से ले लिया जाएगा? अभी इनिशिएशन इनका कर दिया गया है. इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट रिगार्डिंग फी स्ट्रक्चर, क्लास स्ट्रक्चर, आज सौरभ सर, ओके, ही विल बी एबल टू क्लियर. नोट्स एंड PDF विल बी प्रोवाइडेड टू यू. द मोड ऑफ टीचिंग विल बी दिस, वेयर आई विल बी एबल टू प्रोवाइड. एक व्हाइट बोर्ड पे आपको पूरा चीज एक्सप्लेन भी किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा. इसका स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, या क्लासेस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो. हम आपको व्हाइट बोर्ड पर भी सारा चीज शेयर करेंगे. व्हाइट बोर्ड, मैं व्हाइट बोर्ड आपको दिखा देता हूँ. शेयर व्हाइट बोर्ड, देखो. हाँ देखो, अब मैं आपको इंडिया पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको इंडिया का मैप तो बताऊंगा ना, कहाँ क्या है नहीं है, ठीक है? अब मैं आपको साउथ वेस्ट मॉनसून बता रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा ना कि इंडिया के साउथ वेस्ट मॉनसून कहाँ से आएंगे. ये आएगा, यहाँ बेंड होगा, फिर अरेबियन सी से वेस्ट बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, ठीक है? फिर हम आपको बताएंगे विच इज़ मोर सलाइन, वाई मोर रेनफॉल इज हैपनिंग ओवर हेयर. अरेबियन सी वाले पोर्शन में रेनफॉल इतना ज़्यादा क्यों नहीं है कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल रीजन में. ये आपके UPSC का क्वेश्चन है, बिकॉज बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे मेजर रिवर्स इंडिया के जाते हैं. जब जाते हैं तो सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज रिवर कंटेन सिल्ट. व्हेन सैलिनिटी विल इंक्रीज, व्हाट विल हैपन? द बॉइलिंग टेम्परेचर विल इंक्रीज, सॉरी, द बॉइलिंग टेम्परेचर विल डिक्रीज. इवोपरेशन विल बी रैपिड. व्हेन इवोपरेशन विल बी रैपिड, द क्वांटिटी ऑफ The evaporation will increase, the quantity of cloud formation will be high. Why there is more rainfall in Meghalaya compared to Arunachal Pradesh? Because in northeast, this portion Meghalaya, see this Meghalaya is here, just above Bangladesh. Why not much rainfall happening in Bangladesh than in Meghalaya? Cherrapunji and Mausimaran is the wettest place on the earth. The reason is presence of Garo, Khasi and Jayantia Hill in this way. दोनों तीनों फनल शेप्ड फॉर्मेशन करते हैं, ये गारो, खासी एंड जयंतिया फनल शेप्ड होता है, तो उसमें आपके क्लाउड फंस जाते हैं. अब जब क्लाउड फंस जाते हैं तो पूरा पानी निचोड़ लिया जाता है नींबू की तरह. प्रेजेंस ऑफ दिस हिल्स इन द फॉर्म ऑफ फनल इज द कॉज ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल इन दिस रीजन. ओके,
सो नाउ टेल मी क्या इशू है आपका, और किसी को कुछ डाउट है? क्लासेस कल से होंगी, मोड ऑफ टीचिंग आपको बता दिया गया है, टाइम टू कंक्लूड टुडेज क्लास. ओके, आई एम कंक्लूडिंग टुडेज क्लास. इन केस ऑफ एनी डाउट गेट बैक टू सर, एंड टुमारोज फ्रॉम टुमारो विल फिक्स द टाइम एंड ऑल्टरनेट डे विल स्टार्ट टीचिंग यू ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. ओके, since geography and history is common to most of your examination, we'll start teaching you. Let the batch form and the classes will begin. We are prepared, you guys get prepared. Those who are preparing for UPSC or APPCS examination, I will tell you, this is the right time to start preparing for your optional as well, plus your GS. The rest is your choice. Theek hai? So I am concluding this class as of now. Class timing, Saurabh sir will let you know. अगर आप में से किसी को भी कुछ डाउट है तो हम 30 सेकेंड दे रहे हैं, किसी को भी कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर बाद में पिंग मत कीजिए. जो पूछना है सबके सामने पूछिए, कोई इश्यू नहीं है, शर्मा ने कोई जरूरत नहीं है. टीचर भिखारी और साधु को शर्म नहीं होनी चाहिए. आप सॉरी टीचर स्टूडेंट साधु को और भिखारी को शर्म नहीं होनी चाहिए. भिखारी, इफ ए बेगर इज शाय, विल ही बी एबल टू आस्क फॉर आर्म्स? सो इज विद द स्टूडेंट. इफ यू आर शाय, योर डाउट इज गोइंग टू बी फॉर लाइफ टाइम. बट इफ यू आर नॉट शाय, योर डाउट इज फॉर टिल टुडे. ठीक है, सो आई एम कंक्लूडिंग दिस. From tomorrow, your classes will begin. We will finalize. Okay, ठीक है. We'll finalize time by today evening and inform you all on WhatsApp. Okay. चलें रखते हैं अब हम. चलिए. Thank you, Anil. Thank Doje. One advice is that you guys do ask your doubt in the class whenever you get chances regarding subject. After the subject has been started, don't ask कि सर टाइमिंग वाइमिंग, वो टाइमिंग आप सर से सेट कर लो. चलते हैं हम. थैंक यू डॉक. ठीक है सर, वी आर कंक्लूडिंग इट. इफ एनी वन हैज डाउट यू कैन आस्क. आई विल वेट फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड. ओके, आई अज्यूम दैट नो वन हैज अ डाउट.